हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, SST सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी स्टूडेंट आगे तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, आगे जो बजट आया है, ये बजट जो है वो स्टूडेंट बजट है। इसके अंदर संभावना ये बन रही है कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा, सेकेंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड सभी जो है वो वापिस होने वाली है 2023 में या 2024 में। ये भर्ती परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, तो ये विद्यार्थियों को समर्पित है। उसमें ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट जो है वो निकालने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं, जो लोग आगे तैयारी करने वाले हैं SST से, जो इस साल फर्स्ट ईयर में हैं या फिर जो इस साल सेकंड ईयर में किसी कारण से जो रीट में शामिल नहीं हो पाए हैं या फिर रीट नहीं दे पाए, उनके लिए है। तो देखो, अभी टाइम है आप लोगों के पास पढ़ने का, यही समय होता है कि आप जो है वो अलग अलग बुक्स वगैरह को यहाँ पे पढ़ सके। 4-5 बुक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अभी इस टाइम में। और देखो, वैकेंसी आने के बाद में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है वो 4 तरह की किताबें पढ़ सके। उस टाइम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप किसी एक बुक पे ट्रस्ट करें और उसी एक ही बुक को आपको आप जो है वो रीड करें, बार बार रीड करें, तो आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे 100% हो जाता है। लेकिन अभी समय ऐसा है कि आप जो है वो 2, 3, 4 तरह की बुक्स को जो है वो रीड कर सकते हैं और लगभग मैटर आपको सेम सा ही मिलता है। बट जो बुक आपको बेस्ट लगती है, आप उस एक बुक को फाइनल रूप से वैकेंसी आने के बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी बुक का जो है वो बार बार दोहरण करके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। SST सब्जेक्ट के लिए अभी मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो देखो, सिलेबस लगभग 19-20% सेम सा होता है, सब्जेक्ट वाला सिलेबस भी इतना चेंज नहीं होता है। और देखो, GK का तो क्या है कि जुड़ भी जाता है, हट भी जाता है, तो आप उस हिसाब से, और राजस्थान वाले विद्यार्थी हैं तो अपना राजस्थान का GK उनका लगभग वैसा ही होता है। तो अभी मैं बेसिकली अपने सब्जेक्ट पे फोकस करके बात करने वाला हूँ। तो देखो, मेरे पास अभी इस वाली वैकेंसी को लेके एक बुक है, धरोहर, ये जो है धरोहर के नाम से कनक कुंवर सिंह की बुक आती है, इन सर की प्रभात प्रकाशन की तरफ से ये बुक जो है यहाँ पे आती है। इस बुक के बारे में आपको वीडियो के अंदर आगे पूरी डिटेल बता दूंगा। बट इसके अंदर देखो, आपको कंप्लीट एक तो सिलेबस जो अभी वाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे ये बुक काफी अच्छी लगी, मैंने इस बुक को पढ़ा और इसके अंदर जो है आपको लगभग जितने भी फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप अलग अलग बुक्स के अंदर पढ़ते हो, वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो एक चीज है वो ये है कि आपको जो चीजें आपको डाउट होता है उन चीजों को इन्होंने जो है वो कंपेयर करके एक जगह पे लिख दिया है। ये काफी अच्छी चीज है, इससे स्टूडेंट्स को जो है वो बार बार दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस बुक को एक बार ले सकते हैं, इस बुक से आप रीड कर लीजिए। इसके बाद में जब आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए एक बार, तो आप किसी सेकंड बुक पे जा सकते हैं, देन थर्ड बुक पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट तक आपको जो एक बुक बेटर लगे, अभी यही समय है कि आप जो है वो 3-4 बुक्स की रीडिंग लगा दें, क्योंकि फिर बाद में बोलते हैं ना कि सर कौन कौन सी बुक्स लानी है। तो देखो, हम भी लास्ट टाइम पे एक ही बुक आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इतने कम समय के अंदर स्टूडेंट जो है वो एक ही बुक को कंप्लीट नहीं कर पाता, और उसको पढ़ देता है तो उसको वो बुक याद नहीं होती। इसीलिए कोई टीचर जो है आपको एक ही बुक सजेशन करता है कि किसी एक के नोट्स या किसी एक की बुक आप पढ़ दो, काफी है। तो ये समय है बुक्स पढ़ने का, फिर नोट्स पढ़ने का, उसके बाद में आप जो है फाइनल अपनी तैयारी का। तो बुक का रिव्यू जान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे धरोहर प्रभात प्रकाशन की धरोहर बुक के नाम से, और कुंवर कनक सिंह राव की ये बुक आती है, लेखक है ये इनके, जो कि जयपुर में संस्था भी चलाते हैं। और ये देख सकते हो, इसके अंदर SST के लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कवर हैं, जिसमें पहले हिस्ट्री दे रखी है इन्होंने टॉपिक वाइज, अभी जो करंट का सिलेबस है, देन उसके बाद में इन्होंने जियोग्राफी दे रखी है, उसके बाद में इकोनॉमी, लास्ट में इन्होंने जो है वो MCQ दे रखे हैं, एंड सबसे लास्ट में जो है वो यहाँ पे टीचिंग मेथड, जिसे अपन शैक्षणिक रीति विज्ञान सामाजिक अध्ययन की टीचिंग मेथड है। तो इन्होंने जो भी फैक्ट वगैरह होते हैं, जो भी अलग से पूछे जाते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन्स होता है, उन चीज़ों को इन्होंने जो है ऐसे फैक्ट के अंदर बंद कर दिया है, एक बॉक्स के अंदर। अन्य जो भी फैक्ट है या फिर जिस जो एक जैसे सेम चीज़ें होती हैं, उनको इन्होंने एक बॉक्स के अंदर लिखने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों को जो है वो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी।
जैसे कि इनों के मूल स्थान की मतलब आर्यों के मूल स्थान के लिए कहा गया है, तो उन्होंने जो है वो उनके स्थान और किसने कहा है वो भी चीज़ यहाँ पे कंबाइंड करके लिख दी है। इससे थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाती है। बाकी इस बुक के अंदर लगभग आपको सब कुछ सम्मिलित कर दिया गया है। अब जैसे नदियों के नाम में भी कन्फ्यूज़ होते हैं तो वो भी यहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ है, और ये महाजनपद काल के और इनकी राजधानियाँ। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो सबको एक जगह पे लिखा है काफ़ी अच्छे से, और लगभग फैक्ट सारे के सारे कवर है इस बुक में। ऐसा कुछ भी मुझे फैक्ट नहीं लगता है जो इसमें कवर ना हो, और लगभग इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो आप एक बार इसको स्टार्टिंग करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। लैंग्वेज बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आप खुद इसको रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगी। पॉलिटी के भी देखो, ये सारे के सारे फैक्ट जिनों में कन्फ्यूज़न होते हैं वो सब इन्होंने एक जगह लिखने की कोशिश की है। जल संधियाँ वगैरह, राष्ट्रीय पार्क वगैरह, वो सब कुछ इन्होंने इसके अंदर कवर कर दिया है। लगभग इनका सारा मैटर मुझे अच्छा लगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी इनों के हैं अच्छा मैटर है। राष्ट्रपतियों के बारे में, प्रधानमंत्रियों के बारे में सब कुछ इन्होंने जो है वो अच्छे से लिखा है। और फैक्ट तो लगभग सारे के सारे इस बुक में कवर हैं, ऐसा कुछ भी फैक्ट नहीं बचता है जो कवर ना हो। ठीक है, थोड़े से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। इसके जो क्वेश्चन है ये देख सकते हो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन भी जो है वो जिसमें पिछली बार पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं, और जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन भी इन्होंने इसमें डाल रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी जो है वो देख सकते हो। ठीक है, और ये टीचिंग मेथड इन्होंने लास्ट, इसके आंसर भी जो है इन्होंने लास्ट में दिए हैं, और टीचिंग मेथड एकदम बिल्कुल लास्ट में है। इसके भी लगभग 100 से ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप एक बार रीड करना स्टार्ट कर दें, इसके बाद में कोई और अच्छी बुक आती है उसका भी मैं आपको जो है वो रिव्यू ला के दे दूंगा। तो बुक आपने देखी ली है, कैसी है? तो उसके अलावा दो तीन चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइस देखो, इसकी प्राइस आपको इस पे 265 लिखी हुई है, बट ये आपको जो है ऑनलाइन अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी लेते हो तो मैं उसका लिंक भी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है वो सर्च करके देख सकते हो। ये लगभग आपको वहाँ पे जो है 180 के समथिंग इसके आसपास में मिल जाएगी, और इसके जो मार्केट में अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो आपके आसपास वाले किसी भी बुक स्टोर पे आपको जो है ये लगभग इतने के अंदर ही 180 के आसपास के अमाउंट में मिल जाएगी, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, इसके अंदर इन्होंने जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग सारा मैटर कवर कर दिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी लगभग सभी आ जाते हैं। साथ में जो है वो टीचिंग मेथड जो होते हैं SST के, वो भी इन्हों के अंदर डाल दिए हैं। साथ ही में आपको जो है वो 500 MCQ सब्जेक्ट के हैं, प्लस 100 MCQ जो है वो आपको टीचिंग मेथड वाले हैं, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। प्लस क्वेश्चन एक तरफ है और आंसर इसके बाद में लिखे हुए हैं, जो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो आप इस बुक को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आप इस बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आप जो है वो 100% एक फर्स्ट टाइम में जो है अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, वरना एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद में, डेट आने के बाद में हर स्टूडेंट तैयारी करता है, ये उनों की कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि उनका फाइनल सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि एंड टाइम पे सभी लोग तैयारी करते हैं। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी करता है उसके सिलेक्शन 100% होने की गारंटी होती है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, इस बजट के अंदर भी जो है घोषणा हो सकती है। तो आप इस बुक को ट्राई करें अच्छे से, और अपना मन लगे कि पढ़ाई करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं जो तैयारी करना चाहता है, सेकंड थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड किसी की भी। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।